नगर परिषद कन्यादान में झंडा वंदन के समय हुई घटना एक तरफ, जहां संपूर्ण भारत में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आम नागरिकों को भी राष्ट्र ध्वज के सम्मान के प्रति जागरूक करने और राष्ट्र ध्वज की नियमावली को समझाने का प्रयास लगातार शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आज 15 अगस्त के दिन नगर परिषद खनियादाना में जिम्मेदार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के सामने ही राष्ट्र ध्वज का अपमान किया गया। संपूर्ण घटना कुछ इस तरह है कि आज 15 अगस्त के दिन नगर परिषद खनियादाना से सुबह 8 बजे झंडा वंदन का समय सुनिश्चित किया था। इस अवसर पर नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पार्षदगण, जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष और नगर के वरिष्ठ नगर परिषद प्रांगण में झंडा वंदन के लिए उपस्थित हुए। जैसे ही नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा झंडा वंदन के लिए रस्सी को खींचा गया, रस्सी की गांठ ठीक से ना लगी होने की वजह से गांठ नहीं खुली और झंडा फंसकर रह गया। गांठ को सुलझाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन गांठ नहीं खुलने की वजह से नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा झंडे को सुलझाने का प्रयास किया गया और राष्ट्र ध्वज को नीचा करके अपमानजनक तरीके से खींचतान की गई, जो कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं कहीं न कहीं राष्ट्र ध्वज को इस तरह से झुकाना राष्ट्र ध्वज के अपमान की श्रेणी में आता है, जो एक दंडनीय कृत्य है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस घटना का क्या संज्ञान लेता है और किन लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है।